हमारे YouTube चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की वन लाइनर MCQs। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर है उनको वन लाइनर MCQs भी आते हैं एग्जाम, दैट मीन्स आपको सीधा डायरेक्ट आंसर जिन चीज़ों का देना होता है। तो आज की क्लास आपकी ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगी, मे बी 45 मिनट या फिर 50 मिनट की रहेगी टाइम की कमिंग के कारण। तो यहाँ पर आज की क्लास के साथ साथ जो भी लोग नॉर्सेट के MP NHM CHO या फिर MP Group 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स को ले सकते हैं। सेकंड थिंग, जिनका भी MHSRB के लिए एग्ज़ाम है तेलंगाना के लिए, उनके लिए ऑफिशियल पेपर्स तो अभी अरेंज नहीं हो पाए हैं, बट आप लोग सभी क्लासेस ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि आपका जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस कई बार चेक किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ANM वालों के लिए एज एन मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि आपको पेपर अरेंज कर दिए जाएंगे, तो कल आपको शाम 5 बजे से सभी पेपर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें ANM वालों के लिए 20 पेपर का सेट रहेगा। ANM वाले जो भी लोग ये क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, आप जो भी लोग ANM की तैयारी कर रहे हैं, GNM का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ANM के स्पेशली ऑफिशियल पेपर UP MP Bihar BFUHS KPSC जितने भी उससे अरेंज हो पाए, जिसमें 20 पेपर की जो PDF सेट रहेगा वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। 20 पेपर मतलब आपके 2000 क्वेश्चन, क्लियर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिसमें जो क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल है, मान लीजिए KPSC का पेपर ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में होता है और UP के पेपर हैं, तो जो भी लोग पेपर दे के आते हैं तो वो हिंदी फॉर्मेट चूज़ करते हैं मेनली, बट UP के जितने भी पेपर हैं ANM के सभी आपको टाइप फॉर्मेट में अरेंज करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के जो 20 पेपर हैं ANM के, तो ANM वाले भी उन पेपर्स को ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई इज अफेक्टेड इन कैटरेक्ट। मोतियाबिंद में और कैटरेक्ट में आँखों का कौन सा हिस्सा अफेक्ट होगा, पिपिल, लेंस, आयरस या फिर रेटिना। तो कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, क्या होगा इसमें जो आँखों के लेंस हैं उन पे ओपेसिटी छाएगी, क्या होगी, धुंधलापन होगा, ओपेसिटी होगी, तो कौन सा पार्ट मेनली अफेक्ट होगा, वो होगा लेंस। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, इंडिया में ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न क्या है, तो वो क्या है, कैटरेक्ट, क्या है, कैटरेक्ट। और यहाँ पर आपको ट्रोकोमा स्ट्रेटजी, सेफ स्ट्रेटजी पूछी जाती है, तो वो किसके लिए, ट्रोकोमा के लिए। कैटरेक्ट में आइस के जो लेंस है उन पर ओपेसिटी छाएगी। यदि आपको पूछते हैं ग्लूकोमा में, तो ग्लूकोमा में सीधा अंधा होने के जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होती है, क्यों, इंट्राऑक्युलर प्रेशर के बढ़ने के कारण। यदि आँखों से रिलेट करते क्वेश्चन की बात करें तो आपको स्टाई आता है मेनली, ट्रोकोमा की सेफ स्ट्रेटजी आती है आपको, कैटरेक्ट में कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, और ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न क्या है इंडिया में, तो वो है कैटरेक्ट। आँखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे, तो वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। बाइट आउट स्पॉट पूछा जाता है, तो वो भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो अभी देखिए आप, आपके एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, मतलब आँखों की जितनी प्रॉब्लम्स है वो आपकी एक ही उसमें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज, प्रेगनेंसी में स्मोकिंग से क्या होगा, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेड और लो बर्थ वेट अवॉर्शन, इंक्रीज चांस ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न या फिर ऑल ऑफ द अबव। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग के ये सभी कारण हो सकते हैं, मतलब बच्चा लो बर्थ वेट भी होगा, अवॉर्शन भी हो सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं आप तो कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस भी बच्चे में रहेंगे, क्योंकि स्मोकिंग जब भी आप करेंगे तो पूरा धुआं आपके साथ साथ आपके बेबी को भी हार्मफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, स्मोकिंग, एल्कोहल, सभी चीज़ें इस तरीके की कॉज को क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वेट ऑफ द बेबी लेस देन 2.5 kg एट द बर्थ इज कॉल्ड, तो बच्चे का वजन यदि 2.5 kg से भी कम है जन्म के टाइम पर, तो वो किस तरीके के बेबी कहलाएंगे, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, प्री टर्म बेबी, लो बर्थ वेट या फिर पोस्ट टर्म बेबी। तो बच्चे का वजन यदि 2.5 kg से कम है तो वो लो बर्थ वेट बेबीज, कौन से, लो बर्थ वेट बेबीज। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का मतलब 42 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की हाइट, हेल्थ और बच्चे का वेट क्या रहेगा, कम होगा।
प्रीटर्म ऐसे बच्चे ऐसे बेबी जो 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो जाए, पोस्टर्म जो 42 वीक की प्रेगनेंसी के बाद भी डिलीवर होते हैं वो। नेक्स्ट वन इज़ द एंटीनेटल चेकअप्स इंक्लूड, तो एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या शामिल रहेगा, हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन, यूरिन टेस्ट, वेट मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एंटीनेटल चेकअप में सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, वेट चेक किया जाता है, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ेगा तभी पता चलेगा कि जो बेबी है यूट्रस में गर्भाशय में उसका भी वजन बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट व्हाट शुड द CHO सजेस्ट टू कंट्रोल द वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो जब भी आप कम्युनिटी विजिट के लिए जाते हैं तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को रोकने के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे। डिस्करेज कलेक्शन ऑफ वाटर एंड वेस्ट ऑब्जेक्ट्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट्स, यूजिंग बेड नेट्स एंड फुल स्लीव्स क्लॉथिंग्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ में आपकी डेंगू हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगी, जितनी भी वेक्टर के थ्रू होने वाली डिसीज़ है। तो यहाँ पर एज अ CHO आप वाटर को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए कहेंगे ताकि मच्छरों की जो मॉस्किटो उनकी ब्रीडिंग उसमें ना हो पाए। इंसेक्ट रिपेलेंट्स स्प्रे करने के लिए कहेंगे आप मच्छरदानी यूज़ कीजिए, फुल स्लीव से क्लॉथ पहनिए ताकि आप वेक्टर बॉर्न डिसीज से बच सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड मेंबर ऑफ AAA फंक्शनरी रिसाइड्स, फर्स्ट इज आशा, सेकेंड इज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एंड नेक्स्ट वन इज़ द ANM अटेंडेंट आंगनवाड़ी सहायिका या फिर नन ऑफ दी अबव। तो तीन फंक्शनरी रिसाइड्स हैं AAA, AAA। तो एक हो जाती आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, दूसरी होती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तीसरी होती ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लड स्टैंड सर्वाइकल म्यूकस आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ लेबर इज कॉल्ड। लेबर पेन जब आना स्टार्ट होते हैं तो ब्लड स्टैंड जो सर्वाइकल म्यूकस है, म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी आता है, तो वो क्या है, सो है, ब्लड है, पस है, सर्वाइकल टीयर है। तो ब्लड जो सर्वाइकल म्यूकस है वाइट डिस्चार्ज के साथ में ब्लड भी मिक्सड होके आता है तो वो कहलाता है ब्लड सो। नेक्स्ट इज हाउ विल यू प्योरीफाई द वेल वाटर। तो कुएं के पानी को आप कैसे प्योरीफाई करेंगे, क्लोरीन से, कार्बन से, पोटेशियम से कि आयोडीन से। तो जो कुएं का पानी है आप उसको क्लोरीन से क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू। वाटर से आपको एक तो पूरी स्टेप पूछा जाता है जो 5 स्टेप होते हैं स्टोर करने से लेके क्लीन करने तक के, और आपको जो ऑर्थोटिलिन टेस्ट है वो क्लोरीनेशन के लिए पूछा जाता है, ऑर्थोटिलिन टेस्ट के लिए मेजर करने के लिए जो हॉरोक्स अपरेटस है वो आपको जग जैसे होता है वो आता है। तो हॉरोक्स अपरेटस, ऑर्थोटिलिन टेस्ट है जो आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज द विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को बच्चे में अफेक्ट करेंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो सभी होंगे। कौन से, ये सभी फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। माँ यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो बच्चा भी कुपोषित होने के चांस रहेंगे। हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिकता तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्वायरमेंट किस तरीके का वातावरण है, तो ये सभी चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या करेंगी, असर करेंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसीज इज इंक्लूडेड इन STD। तो इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कौन सी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, कैंक्रॉइड है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। कैंक्रॉइड जो सिफिलिस का तो आपको पता है, ट्रिपनोमा पैलिडियम, गोनोरिया के लिए निसीरिया गोनोरिया, कैंक्रॉइड भी एक क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि हीमोफिलस ड्यूक्रियाई नाम के बैक्टीरिया से होगी, हीमोफिलस ड्यूक्रियाई नाम के बैक्टीरिया से होगी, जिसमें जेनाइटल एरिया में पेनफुल नेक्रोटाइजिंग है, जो अल्सर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। लेकिन ये डिसीज़ क्या है, क्योरेबल है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। यदि इन सब में कंटेजियस पूछे तो कैंक्रॉइड ही होगी। नेक्स्ट वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज कॉल्ड। तो प्रोग्रेस होती है जब लेबर की, सर्विक्स डायलेट होने से लेके कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं,
कितना जो स्टेशन है, कितना फीटल है, जो इंगेज्ड हुआ है, सभी चीज़ें किसमें चेक की जाती हैं, तो सब चीज़ें चेक होती हैं पार्टोग्राफ में, किसमें, पार्टोग्राफ में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ाया है, बाइट आउट स्पॉट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो बाइट आउट स्पॉट किसकी कमी के कारण देखने को मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। बाइट आउट स्पॉट देखने को मिलते हैं विटामिन ए की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज व्हेन शुड द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, आफ्टर वन आवर, आफ्टर हाफ आवर, आफ्टर टू आवर या फिर एज सून एज पॉसिबल। तो बच्चे को जन्म के विद इन 30 मिनट या फिर आपको यहाँ पे ये देखिए तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो आप मार्क कर सकते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम में एज सून एज पॉसिबल आए तो आप उसको मार्क कीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एज सून एज पॉसिबल है तो आप उसको मार्क कीजिए, लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में विद इन 30 मिनट है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, 30 मिनट के नहीं है, वन आवर है तो उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन यदि एज सून एज पॉसिबल है तो आप हाफ आवर को भी मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पर आप मार्क करेंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतने जल्दी। नेक्स्ट वन इज द सुप्रा प्यूबिक पेन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सुप्रा प्यूबिक पेन होगा जो किस कारण से होगा, स्टमक पेन, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम के कारण, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेस के, अपेंडिक्स के, कि पेरिटोनियल कैविटी के कारण। सुप्रा प्यूबिक पेन मतलब नीचे को आपको डाउन साइड को जो पेन होगा अम्बिलिकस के नीचे वो कहलाएगा सुप्रा प्यूबिक पेन, और ये होगा यूट्राइन कॉज के कारण, किसके कारण, यूट्राइन कॉजेस के कारण। नेक्स्ट वन इज सर्वाइकल कैंसर इज अबाउट 80% ऑफ कॉजेज इज ड्यू टू, सर्वाइकल कैंसर है किसके कारण है जो सबसे ज़्यादा होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी या फिर एल्कोहल इनटेक। तो सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे क्या है, सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे कॉमन कारण है वो क्या है, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HPV। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी है जो आ गई है, पहले तो ये लगाई जाती थी लेकिन अभी इंडिया में भी ये वैक्सीन है जो बन गई है, गार्डासिल, जो वैक्सीन का नाम क्या है, गार्डासिल, आपको एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट वन इज तो सर्वेक्स की जो वैक्सीन है आधार पूनावाला की कंपनी बना रही है वो क्या है, आपकी गार्डासिल वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, वैंकोमाइसिन है, क्विनिन है, क्लोरोक्विन है कि नन ऑफ दी अबव, क्या है जो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी, किसमें, फाल्सीपेरम मलेरिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एक ऐसी ड्रग है जो क्या की जाएगी, फाल्सीपेरम मलेरिया में। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से मलेरिया की स्पीसीज है, मलेरिया की कौन सी स्पीसीज है जिसमें ब्लैक फीवर या फिर ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, तो वो कौन सी है, फॉल्सीपेरम ही है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन और आता है कि मलेरिया में कौन सी मेडिसिन है, कौन सी जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में बस दे सकते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग हम है जो यूज़ कर सकते हैं, जो प्लेसेंटा को क्रॉस ना कर पाए, जो प्लेसेंटा को क्रॉस ना कर पाए, ऐसी ड्रग बताइए जो प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं, मलेरिया है हो गया यदि तो। नेक्स्ट वन पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल, तो ब्लॉक लेवल पर कितनी पॉपुलेशन होगी, 50 ब्लेज, 1000 पॉपुलेशन, 100 ब्लेज, 10,000 पॉपुलेशन, 1000 ब्लेज, 1 लाख पॉपुलेशन, 100 ब्लेज या फिर 10 लाख पॉपुलेशन, तो कितनी पॉपुलेशन होगी किस पर, ब्लॉक लेवल पर। तो यदि ब्लॉक लेवल की हम बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल पर पॉपुलेशन का जो रेशियो रहेगा वो होगा आपका 100 ब्लेज 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर यदि पूछा है
ब्लॉक लेवल पर 100 गांव रहेंगे और जनता कितनी होगी? 1 लाख जनता। याद रखें, जनरली इस तरीके से आता है, जो पॉपुलेशन नॉर्म सब सेंटर में 5,000 प्लेन में, और जो पहाड़ी इलाका है तो 3,000 में। PHC है तो 30,000, 20,000 है हिली ट्रैवल के लिए। CHC में 80,000 से 1,20,000 तक का। लेकिन यदि इस तरीके से पूछें तो 100 गांव है मतलब 1 लाख पॉपुलेशन है, किसके लिए? ब्लॉक लेवल के लिए। ब्लॉक का मतलब यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही है, तो आपको इजीली समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, द प्रेशर एंड ड्यूरेशन सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए कितना प्रेशर और कितना ड्यूरेशन यूज़ किया जाएगा ऑटोक्लेव में? ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड मानी जाती है स्टरलाइजेशन के लिए। किसके लिए? स्टरलाइजेशन की बेस्ट मेथड पूछते हैं तो वह ऑटोक्लेव। वो कितना प्रेशर और कितना ड्यूरेशन यूज़ करते हैं हम? 15 LV फॉर 30 मिनट, 10 LV फॉर 5 मिनट, 5 LV एंड 30 मिनट, या फिर 20 LV फॉर 2 आवर। तो जो प्रेशर सेट किया जाता है वो होता है 15 LV फॉर 20 मिनट। लेकिन जनरली आपको इनकेस एग्जाम में ओनली ड्यूरेशन में पूछते हैं तो 20 मिनट्स को मार्क करना है। 15 LV फॉर 30 मिनट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हमें यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ओनली टाइम बस पूछे, 20 मिनट आपको मार्क करना है। लेकिन ये ऑटो क्लेविंग में डिपेंडेंसी भी होती है, क्या आइटम आप स्टरलाइज कर रहे हैं। कम आइटम कर रहे हैं तो कम टाइम लेगा, ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा। नेक्स्ट वन, अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट। यदि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक है तो सबसे पहले क्या साइन दिखेंगे? थ्रस्ट, डायफोरेसिस, लिथार्जिक या फिर हाइपोटेंशन। डायफोरेसिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना, पसीने पसीने हो जाना। तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया यदि पर्सन को है तो अर्ली साइन होगा डायफोरेसिस। क्या होगा? डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। पाल्पिटेशन होगा अर्ली साइन में। हार्ट रेट बढ़ेगी, ट्रिमर्स होंगे, पेल कलर होगा, भूख लगेगी बहुत ज़्यादा, हेडेक होगा और नर्वसनेस होगा। लेकिन यदि लेट साइन पूछते हैं तो कन्फ्यूज़न होगा, इरिटेशन होगा, टायर्डनेस होगी, प्रॉपर वॉक नहीं कर पाएंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, कूल क्लैमी पेल स्किन होगी आपको, बेहोश हो जाएंगे, सीजर्स रेयर केस में आते हैं, लास्ट होता है कोमा। क्या होगा? कोमा। लेकिन अर्ली में क्या होगा? डायफोरेसिस, थके हुए रहेंगे आप, भूख लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, तो HDI में क्या इंक्लूड नहीं है? एडल्ट लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज फर्स्ट, रियल GDP पर कैपिटा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या चीज़ है जो इंक्लूड नहीं है? तो HDI में क्या इंक्लूड नहीं है? एडल्ट लिटरेसी रेट। क्या क्या इंक्लूडेड है तो ये पढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड द रिलेशनशिप विद पब्लिक सोशल। तो यहाँ पर ये एजेंडा रखा गया है जो SDG है उसके तहत HDI को हमें अचीव करने का। तो यहाँ पर HDI में इंक्लूडेड क्या नहीं है? एडल्ट लिटरेसी रेट। क्लियर? और हमें कब तक अचीव करना है? तो 2030 तक जो SDG डेवलपमेंट है वो सभी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो HDI, SDG, मिलेनियम गोल हों, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हमें इनको, इस टारगेट ईयर है इन तक हमें अचीव करना है। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट डायरिया। तो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? रोटा वायरस, OPV, DPT या फिर ऑल। तो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाएगी वो होगी रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस ही कॉज करेगा डायरिया, तो वैक्सीन भी हम क्या देंगे? रोटा वायरस। ओरल दी जाती, हमेशा आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। तो रोटा वायरस वैक्सीन और OPV वैक्सीन, दो वैक्सीन ओरल दी जाती। नेजल स्प्रे से के लिए पूछें कि नेजल स्प्रे से कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो वो दी जाती है इन्फ्लुएंजा की। इंट्राडर्मल पूछें तो वो दी जाती है BCG। कब तक दी जाती है तो वो भी आपको पता है। तो वैसे ही रोटा वायरस वैक्सीन का ड्यूरेशन होता है 6, 10 एंड 14 वीक्स। जब पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं बच्चे को 6, 10 एंड 14 वीक्स में, उसी टाइम पर बच्चे में हम क्या देंगे? ओरली जो 5 ड्रॉप्स होती हैं, 2 बूंद देते हैं हम OPV की, लेकिन रोटा वायरस वैक्सीन की 5 ड्रॉप्स देते हैं। 3 डोज आर गिवन बाय ओरल रूट। अब फिर इसमें भी रोटारिक्स, रोटावैक आती हैं, तो एक दी जाती है ओनली 2 बार, एक दी जाती है 3 बार। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की सप्लाई में कौन सी वैक्सीन आ रही है वो।
लेकिन जनरली आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से बात करते हैं हम, 6, 10 and 14 weeks ही यहाँ पर दी जाएगी, ड्यूरेशन है इसका। नेक्स्ट वन, विच प्लांट डिवाइड द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन इंटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्सन। तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा प्लान है जो बॉडी को अपर, बॉडी को अपर में, लोअर को लोअर में डिवाइड करेगा, सुपीरियर और इन्फीरियर में, फ्रंटल, सेजाइटल, मिडलाइन या फिर ट्रांसवर्स। जो प्लान ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन ऑर्गन को सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड करता है वो कहलाएगा ट्रांसवर्स प्लान। ये देखिए प्लान एग्जाम में आता है, स्पेशली GNC एग्जाम्स में आया है लास्ट टाइम। ट्रांसवर्स प्लान में क्या होगा, अपर और लोअर पोर्शन को क्या है डिवाइड किया जाएगा। फ्रंटल और कोरोनल प्लान क्या करेगा, आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब बैक साइड, बैक पोर्शन और जो फ्रंट पोर्शन है, दोनों को डिवाइड करके कौन बताएगा, फ्रंटल और कोरोनल प्लान। ट्रांसवर्स जिसको हम क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लान कहेंगे, लोअर और अपर सेक्शन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा सुपीरियर इन्फीरियर को। ऑब्लिक को दो कॉम्बिनेशन का है, ऑब्लिक में हम ये कह सकते हैं या तो इसमें फ्रंटल और ट्रांसवर्स आ सकता है या फिर ट्रांसवर्स या फिर फ्रंटल आ सकता है। इस तरीके से यदि ऑब्लिक की बात करें तो ये देखिए जो आपको इमेज दिख रही है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मिनिमम गैप बिटवीन टू डोज ऑफ एनी काइंड ऑफ वैक्सीन। तो यदि आप कोई सी भी वैक्सीन देते हैं तो एटलीस्ट वैक्सीन में कितना गैप होना चाहिए, 4 weeks, 8 weeks, 9 weeks या फिर 10 weeks। जनरल यदि हम नॉर्मली वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो जनरली होना चाहिए यहाँ पर एटलीस्ट 4 weeks का। मीजल्स वैक्सीन ध्यान से देखिए, मीजल्स में पूछें तो 3 महीने का गैप दिया जाता है दो डोज के बीच में, मिनिमम एटलीस्ट 3 month का गैप। लेकिन अदर वैक्सीन की बात करते हैं हम तो एटलीस्ट मिनिमम गैप की बात कर रहे हैं, 4 weeks का गैप तो दिया ही जाता है, उसके बाद ही आप सेकेंड डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, द काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप्स लिव्स इज कॉल्ड। कौन से टाइप का फूड है जिस पर पर्सन जिंदा रह रहा है, न्यूट्रिशन है, डाइट है, डाइटिक है या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो क्या है, ये न्यूट्रिशन, जिस पर पर्सन जिंदा है, जीवित है। नेक्स्ट है यहाँ पर था कम्युनिटी की ही क्लास में, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सेरा वैक्सीन। तो एंटी सेरा वैक्सीन कौन सी है, तो ऑप्शन में था टिटनस टॉक्साइड, रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन एंड टाइफॉइड वैक्सीन। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दिया था सही, कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, एंटी सेरा है, जो एंटी सेरा वैक्सीन इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर जो एंटी सेरा वैक्सीन है वो रेबीज वैक्सीन, कौन सी है, रेबीज वैक्सीन। अब एंटी सेरा वैक्सीन तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एंटी सेरा है बनता कैसे, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो यदि एंटी सेरा वैक्सीन और वैक्सीन के बीच में डिफरेंस आपको आता है, तो वैक्सीन है जनरली जो पैथोजन्स है, जो डिसीज़ कॉज करता है, उसके बीक एटेन्यूएटेड पोर्शन से बनेगी, जो बीक या फिर डेड है उससे। लेकिन जो एंटी सेरा है, दैट इज़ अ सीरम दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज यूजुअली फ्रॉम एन एनिमल दैट हैज़ बीन डेलिब्रेटली एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो वैक्सीन जनरली जो डिसीज़ कॉज करेगा, जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस होगा, उसके डेड या फिर वीक एंड सेक्शन से, मटेरियल से बनाई जाएगी। लेकिन एंटी सेरा जो इंडिविजुअल ऑलरेडी उस एनिमल से क्या हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, उसकी एंटीबॉडीज़ को है जो लेके बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, लॉन्गर टाइम के लिए रहेंगी, लेकिन एंटी सेरा क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी देंगे, जो कि शॉर्टर पीरियड के लिए देंगे। तो यहाँ पर यदि आपको आता है कि पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन का मतलब है जब आपको कोई डिसीज़ हो जाए या फिर कोई एनिमल्स के आप कांटेक्ट में आ जाते हैं जो इन्फेक्टेड है, तब उसके बाद वैक्सीन देंगे, तो वो क्या कहलाती है, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन। तो वो क्या होगी, रेबीज वैक्सीन, क्योंकि रेबीज वैक्सीन आपको पहले से नहीं लगाई जाएगी, कि जैसे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पूरी वैक्सीन ऐड है उसके अकॉर्डिंग, तो रेबीज आपको पहले से नहीं लगेगी, जब आपको डॉग बाइट करेगा इन्फेक्टेड या फिर कैट बाइट करेगी तभी लगेगी। तो क्या है, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन है रेबीज, और एक क्या है, एग्जाम्पल है एंटी सेरा वैक्सीन का। नेक्स्ट वन इज गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन, भी क्या है यहाँ पर, एंटी
का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप गायनेक से भी मान सकते हो, सीएचओ से भी मान सकते हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, हुनर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो जो हुनर्स टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर, टू असेस द रेस्पिरेटरी मैच्योरिटी ऑफ अ न्यू बॉर्न, सेकेंड ऑप्शन है टू असेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ न्यू बॉर्न, थर्ड वन इज टू चेक द एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन मदर एंड न्यू बॉर्न, लास्ट है यहाँ पर टू डिटरमाइन द नंबर मोर्टिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर जो रेशियो और या फिर जो होनर टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन यदि बच्चे में चेक करना है कि जो यहाँ पर है, तो होनर टेस्ट इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है इस क्वेश्चन को लेकर स्पेशली, तो जो होनर टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, स्पर्म की मोर्टिलिटी एक्टिविटी और नंबर को चेक करने के लिए, जिसको हम पोस्ट क्वाइटल टेस्ट नाम सबने सुना है, लेकिन हुनर टेस्ट में आपको कन्फ्यूजन होती है। तो सिम्स हुनर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था टेस्ट का, हुनर्स टेस्ट। लेकिन आपको इसका दूसरा नाम याद रखना, जो आपको इजीली याद रहेगा, वो पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, जो कि इसमें इवैल्यूएशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि स्पर्म की मोर्टिलिटी कितने एक्टिव है, कितने नंबर हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट कैसे होगा, टू इवैल्यूएट द नंबर ऑफ स्पर्म दैट सर्वाइव विद इन द म्यूकस एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल, तो सर्वाइकल म्यूकस से पोस्ट क्वाइटली जो स्पर्म है कितने काउंटिंग में रिलीज हुए हैं, मोर्टिलिटी क्या है, कितने एक्टिव हैं, कितने डेड हैं, और कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें चेक करने के लिए क्या किया जाता है, हुनर टेस्ट। इसको पोस्ट क्वाइटल टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी स्पेसिमेन या फिर कल्चर कलेक्ट किया जाएगा, वो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू यहाँ पर पता किया जाएगा कि जो एसिडिक नेचर रहा है, तो वहाँ पर स्पर्म कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाए हैं, यहाँ पर कितने स्पर्म रिलीज हुए हैं, कितने जिंदा बचे हैं, वो सभी चीज़ें हुनर टेस्ट में चेक की जाएंगी। इसीलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको याद रखें। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द मेन कार्बोहाइड्रेट एंड एमनियोटिक फ्लूड, तो एमनियोटिक फ्लूड में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। तो बेबी को जो एनर्जी मिलेगी या फिर जो एमनियोटिक फ्लूड है जिसमें बेबी पूरा फ्लोट करेगा, तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट रहेगा, तो मेन कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, कौन सा होगा, तो वो होगा ग्लूकोज, जो कि जनरली 20% तक प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ एच आई वी पॉजिटिव मदर वॉन्ट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, वॉट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ नर्स और MLHP और CHO। यदि कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पेशेंट के लिए, माँ के लिए क्या चीज़ समझाएंगे कि आप अपने बच्चे को क्या करें, ब्रेस्ट फीड करवाएँ कि नहीं करवाएँ। तो ऑप्शन में है यहाँ पर, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्थियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट सी कैन गेट रेस्ट एंड गेट वेल हेल्दी, लास्ट वन इज डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। यदि आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें मदर HIV पॉजिटिव हो, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स, एज अ CHO, MLHP और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या कहेंगे, माँ को कहेंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से ही आपके बच्चे को HIV हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिस्करेज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर यही चीज़ होती कि मदर HIV पॉजिटिव है, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, लेकिन साथ में निवेरापाइन उसको दी जा रही है, तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी, तब वो सेफ होता बच्चे के लिए। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं है निवेरापाइन मेडिसिन की, तब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि ये बच्चे को भी है जो HIV हो सकता है। अब दो मेडिसिन के नाम है जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कहते हैं कि बच्चे को HIV ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या देंगे, निवेरापाइन एज इन प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर देंगे, मदर HIV पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, मदर टू चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो हम जो बच्चे की जब 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करेंगे, माँ को निवेरापाइन देंगे, जिससे बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं HIV से। लेकिन यदि हमें डिलीवरी के टाइम पर या फिर जब बच्चा क्या हो,
डिलीवरी के टाइम पर या फिर इंट्रापार्टम पीरियड में हो तो हमें क्या करना है, जिडोविडिन देना है मदर को। किसको? जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको, हम एच आई पॉजिटिव प्रेग्नेंट वूमेन को क्या देना है, जिडोविडिन देना है मेडिसिन, जिससे जो होने वाला बच्चा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे? एच आई वी इन्फेक्शन से। यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात आती है आपको, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर दैट मीन्स डिलीवरी हो चुकी है, वहाँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो निवेरापाइन दे के बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि यूट्रस में ही है और माँ एच आई वी पॉजिटिव निकलती है, तो हमें उस बच्चे को यदि एच आई वी इन्फेक्शन से बचाना है तब हम क्या देंगे, जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर क्या होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन दैट मीन्स एच पी वी इन्फेक्शन, नली पेराइटी दैट मीन्स वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज में बहुत सारी आएंगी, मेनोरेजिया आ जाएगा, डिसमेनोरी आएगा, मेट्रोरेजिया आ जाएगा, एमनोरी आ जाएगा, एडवांस एज ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर क्या होगा जो कि सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होगा, तो सर्वाइकल कैंसर किसके थ्रू होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, क्या है, एच पी वी इन्फेक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है, एच पी वी वैक्सीन। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कॉज एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है एच पी वी इन्फेक्शन, या फिर बहुत कम एज में शादी होना और सेक्स करना, तो क्या है, हाई रिस्क फैक्टर रहेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए वो क्या होता है, पैप स्मियर। पैप स्मियर का जो स्पेसिमेन है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, अरे स्पैटुला से। नेक्स्ट वन इज व्हेन परफॉर्मिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन द नर्स ऑब्जर्व्स अ रेड स्वालोइन एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑर्फिस, द नर्स वुड डॉक्यूमेंट दिस एज एनलार्जमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि कोई नर्स जब पेल्विक एग्जामिनेशन करती है तो उसको वेजाइनल ऑर्फिस के राइट साइड में एक स्वालोइन फूला हुआ जो एरिया है पालपेट होगा, फील होगा, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि एनलार्जमेंट क्या है, स्किनीज ग्लैंड है, बर्थोलिंस ग्लैंड है, क्लाइटोरिस है, या फिर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो क्या है जो यहाँ पर नर्स एक ऑब्जर्व करती है, तो क्या है जो कि एक स्वालोइन एरिया उसको चेक किया उसने वेजाइनल ऑर्फिस के राइट साइड में, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड, क्या है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइडें प्रेजेंट रहेगी। ये देखिए, ये रही बर्थोलिन ग्लैंड। और सिस्ट कब होगी, तो यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, वेजाइना को लुब्रिकेट करेगी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि रेड स्वालोइन जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है तो ये क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। एग्जाम में आता है कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, एक एक साइड जो है जो ग्लैंड रहेगी। अब यदि यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्लैंड है इसका काम क्या है, एक फ्लूड सीक्रेट करेगी, क्या करेगी, एक फ्लूड रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी, जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। लेकिन जब यही फ्लूड जो बर्थोलिन ग्लैंड फ्लूड को क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड के यहाँ पर एक डक्ट होगी, क्या होगी, ये डक्ट है, ये ग्लैंड हो गई, ये डक्ट जो छोटी छोटी दिख रही है क्या करेंगी, फ्लूड को रिलीज करेंगी वेजाइना में। लेकिन जब इनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, फ्लूड क्या होगा, बैक होगा, जो कि वापस बर्थोलिन ग्लैंड में आएगा। जब ये ग्लैंड में आएगा तो ये केस का फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट का। एग्जाम में आपको आता है कि बर्थोलिन सिस्ट क्या है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड जो फ्लूड को सीक्रेट करती हैं, यदि वही बर्थोलिन डक्ट के यहाँ पर जो रिलीज करेगी वेजाइना में डक्ट इस फ्लूड को, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो जो फ्लूड क्या होगा, बैक ऑफ होगा, जो कि वापस से बर्थोलिन ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब आता है यहाँ पर स्कैनी और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्कैनी ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ये सेम नाम है, जो कि फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो यूरेथ्रल ऑर्फिस है यहाँ पर क्या रहेंगी, ग्लैंड रहेंगी, जिसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर स्किनीज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेंगी, फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर ये क्या करेंगी, म्यूकस का डिस्चार्ज करेंगी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर। तो यहाँ पर इनका काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। ये किसके होमोलोगस होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, मेल में पाई जाती है, जो कि कॉपर्स ग्लैंड है एक तरीके से। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पर रहेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर पार्ट में।
तो जो काम यहाँ पर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड करती हैं वही काम कॉपर्स ग्लैंड करेंगी जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में प्रेजेंट ऊपर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगी। तो यदि होमोलोगस पूछे स्किनी ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल का तो क्या है कॉपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज से सभी कुछ होने के खतरे हैं रिस्क हैं किसी एक को छोड़कर। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब क्या है प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ की कंडीशन, तो उसमें सब चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। कंजेनाइटल एनोमलीज स्मॉल फॉर डेड बेबीज सॉरी स्मॉल फॉर डेड फीटस मैक्रोसोमिया प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की कंडीशन है कंजेनाइटल एनोमली होगा मैक्रोसोमिया दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी होगा प्रीमेच्योर और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। प्रीमेच्योरिटी का मतलब है बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि यूट्रस में ही फीटस डेथ हो सकता है लेकिन बेबी स्मॉल फॉर डेट कभी भी नहीं होगा। यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कंजेनाइटल एनोमलीज होगा मैक्रोसोमिया मोस्ट कॉमन होता है मदर में, बच्चे इवन 4 kg से भी ज़्यादा वेट के तक हो जाते हैं डिलीवर और प्रीमेच्योर होने के चांसेस भी रहेंगे। स्टिल बर्थ भी होगा लेकिन स्मॉल फॉर डेड फीटस है जो कभी भी नहीं होगा। स्मॉल फॉर डेड फीटस का मतलब है यहाँ पर 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं जो ईडीडी दी है लेकिन उस टाइम पर भी बच्चा छोटा सा डिलीवर हो तो ये क्या होगा स्मॉल फॉर डेड फीटस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज असाइन टू अ पेशेंट हु हैज़ अ बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल ही और सी वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर एक नर्स यदि बैक्टीरियल निमोनिया के पेशेंट के लिए उसको असाइन किया गया है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है पेशेंट को क्योंकि निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, तो यहाँ पर कौन सा पीपी यूज़ करेगी जब वो नर्स पेशेंट का मील ट्रे खाने की ट्रे है देने को जाएगी तब। ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, ओनली मास्क इज नीडेड, गाउन मास्क ग्लव्स सूर कवर्स नो पीपी रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में यदि पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया है आप कौन सा पीपी यहाँ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसकी मील ट्रे उसके पास तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कैसे होगा जब आप जो आपके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैसे एंटर करेंगे मुंह से या फिर नाक से, मुंह से या फिर नाक से एंटर करेंगे तो इसके लिए जो मेन आपके पास पीपी इक्विपमेंट होना चाहिए वो क्या है मास्क। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे ओनली मास्क इज नीडेड। यदि मार्स का पेशेंट होता इसका यदि मार्स का पेशेंट होता तब हम क्या करते पूरा पीपी यहाँ पर यूज़ करते लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल निमोनिया का और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में है क्या यूज़ करेंगे मास्क। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है बाउंडिंग पल्स वाटर हैमर पल्स पल्स अल्टरनेशन या फिर बाइजेमिनल पल्स। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा किसका कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होगा वाटर हैमर पल्स। क्या होगा वाटर हैमर पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब होगा कि जब फोर्सफुल हार्ट बीट क्या है फोर्सफुल हार्ट बीट के कारण जो आपको आर्टरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी वो क्या कहलाएगी यहाँ पर बाउंडिंग पल्स। और पल्स अल्ट्रेशन में अलग अलग आ सकते हैं ब्रेडिकार्डिया आ सकता है या फिर टैकीकार्डिया आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाईजेमिनल पल्स। तो बाईजेमिनल पल्स का मतलब होगा कि जब दो बीट एक साथ सुन देंगी लेकिन इनमें जो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अ पल्स कैरेक्टराइज्ड बाय टू बीट्स क्लोज टुगेदर विथ अ पॉज फॉलोइंग ईच पेयर ऑफ बीट। तो यहाँ पर दो बीट क्या होंगी बहुत फास्ट है फास्ट फास्ट है जो फील होंगी सुनाई देंगी कोलैप्सिंग क्या है वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। तो एक हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा एग्जाम में इसका फॉर्मूला आपसे आता है या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है 50 ml 100 ml 70 ml या फिर 170 ml। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो एक हेल्दी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml
यहाँ पर यदि फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे तो क्या होगा, फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए तो यहाँ पर वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। क्या है, जो ब्लड इजेक्ट होगा हर एक वेंट्रिकल से पर बीट में वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट यदि आपको आता है तो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स यदि यहाँ पर आपको क्या आता है, फॉर्मूला पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको या तो एग्जाम में सिस्टोलिक बीपी बता देंगे या फिर डायस्टोलिक बीपी बता देंगे और एसबी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, बहुत ईजी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वन इज इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड में जो ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, तो जनरली बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बच्चे का डोज है जो कैलकुलेट करेंगे। तो यदि बच्चे का डोज कैलकुलेट करने की बात आ रही है, फॉर्मूला आपके सामने नहीं है, ओनली एज वेट हाइट लेंथ बताया, तब आप किससे करेंगे, वेट से, कैसे करेंगे, वेट से। और यदि आपको बच्चे का डोज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर्मूला वो है क्लार्क रूल, क्योंकि इसमें बच्चे का वेट ही यूज़ किया जाता है। और यदि इन्फेंट में पूछते हैं अंडर वन ईयर एज में, तब फ्राइड्स रूल यूज़ करेंगे। वेट के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो क्लार्क जो कि कॉमनली यूज़ होता है। और यदि यहाँ पर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 12 साल तक है तो यंग्स रूल, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ऐसा आता है तो वेट कहना है आपको। यदि इन्फेंट के लिए कहते हैं तो फ्राइड्स रूल यूज़ किया जाएगा, क्लार्क रूल, और सबसे ज़्यादा कॉमनली हर एक हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो कौन सी ड्रग है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपल्सन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी। एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स या फिर एमिटिक्स। तो जो ड्रग यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी वो क्या कहलाती है, कार्मिनेटिव एजेंट्स। क्या कहलाते हैं, कार्मिनेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज टर्म मेलेना मीन्स, तो मेलेना का मतलब क्या है, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड, पस इन द यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन या फिर सुगर इन द यूरिन। तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा मेलेना के लिए, तो मेलेना के लिए जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, डार्क कलर्ड स्टूल। क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लड है जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। तो ये यहाँ पर ब्लड या तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है, तो यहाँ पर मेलेना यदि एग्जाम में आपको आता है क्या, डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन इज द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, तो कौन सा एनिमा है जो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोल्ड, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव या फिर परगेटिव। कौन सा एनिमा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो जो एनिमा यहाँ पर यूज़ होगा वो कौन सा एनिमा होगा, तो गैसियस डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए क्या हम करेंगे, कार्मिनेटिव एनिमा। जब जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस बन रही है तो कौन सी मेडिसिन देंगे, कार्मिनेटिव एजेंट। अब यहाँ पर गैसियस डिस्टेंशन के लिए यदि एनिमा पूछते हैं तो क्या होगा, कार्मिनेटिव एनिमा। यदि कॉन्स्टिपेशन है, क्या है, यदि कॉन्स्टिपेशन है तब हम क्या देंगे, परगेटिव एनिमा। यदि हेलमेंथिक इन्फेक्शन है तब हम क्या देंगे, एंटी हेलमेंथिक एनिमा। नेक्स्ट वन इज और यदि साइट यदि पोजीशन पूछे पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लिटाएंगे एनिमा देने के टाइम पर, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज, तो आई थिंक आपको ये लास्ट क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि यदि गैसियस डिस्टेंशन है या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमें गैस को रिलीव करना है, तो यदि गैसियस डिस्टेंशन में एनिमा पूछते हैं तो कार्मिनेटिव देंगे हम, और यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस रिलीज करना है तो मेडिसिन पूछते हैं तो कहा होंगे, कार्मिनेटिव मेडिसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज, तो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए क्या कहेंगे? दैट मीन्स जिस पर कंट्रोल ना हो, वॉलेंट्री का मतलब क्या होगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में एन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्चुरेशन या फिर डिफिकेशन। तो क्या टर्म है जो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा यहाँ पर एन्यूरेसिस। क्या होगा? एन्यूरेसिस। मिक्चुरेशन का मतलब होगा बार बार यूरिन पास आउट करना, लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या होगा कि आप यूरिन पास करना चाहते हैं लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या हो गया, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन। नेक्स्ट वन इज अ टीचिंग मेथड विच एनेबल्स टीचर ट्रेनीज टू प्रैक्टिस अ स्किल वाय टीचिंग अ शॉर्ट लेसन टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड। तो टीचिंग की एक ऐसी मेथड जिसमें टीचर जो ट्रेनी स्टूडेंट है उनके लिए एक शॉर्ट लेसन है जो और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के लिए समझाता है, तो वो कौन सी मेथड होगी? टीचिंग की ऐसी मेथड जिसमें टीचर ट्रेनी है कम लोगों को और कोई एक शॉर्ट लेसन समझाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? तो वो मेथड कहलाएगी माइक्रो टीचिंग। क्या होगी? माइक्रो टीचिंग। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनका भी एस जी पी जी आई का एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। एंड साथ ही साथ कल मॉर्निंग में जिनका भी एस जी पी जी आई के लिए एग्ज़ाम है, दैट मीन्स इसी वीक में एग्ज़ाम है, तो उन लोगों के लिए एस जी पी जी आई के अलावा जो अदर एग्ज़ाम है इसी मंथ में, उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक 300 और 400 एम सी क्यू की एक ही क्लास रहेगी जो कि 2 आवर से ज़्यादा तक की हो सकती है आपको, तो वो क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। वो क्लास होगी कल आपकी 11 o'clock पर, तो आप उस क्लास के लिए ज़रूर ज्वाइन करना, जिसमें आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी, पूरे जो एस जी पी जी आई के क्वेश्चन का सिलेबस आपको कवर होगा वो वहाँ पर आपको लाए जाए एक ही वीडियो में और एक ही क्लास में। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी बाय टैपिंग इट विथ फिंगर इट इज़ कॉल्ड। तो जब आप बॉडी का एग्जामिनेशन किससे कर रहे हो? फिंगर से। किससे? फिंगर से टैपिंग करके, तो क्या कहलाएगा? ऑस्कल्टेशन, परकसन, पालपेशन या फिर मैनिपुलेशन, तो क्या कहलाएगा? जिसमें आप बॉडी का जो एग्जामिनेशन है कैसे कर रहे हो? फिंगर टैपिंग से। तो वो कौन सी में हम फिंगर्स टैप करके क्या करेंगे, बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे, तो वो कहलाएगा परकसन। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर एक बेसिक इमेज दी हुई है जो कि आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बताया जा रहा है, लेकिन यदि आपको असेसमेंट के स्टेप भी पूछे जाते हैं तो भी यही होंगे। फर्स्ट आएगा इंस्पेक्शन, दैट मीन्स हमें पूरा क्या करना है, चेक करना है। फिर आएगा पालपेशन, तो पालपेशन में क्या किया जाएगा, पूरा जो आपका हाथ है इसको यूज़ करके है जो किया जाएगा। देन आता है परकसन, तो परकसन में जनरली फिंगर स्टेप करके हम यूज़ करेंगे। एंड लास्ट आता है ऑस्कल्टेशन, जो कि हम साउंड है जो सुनेंगे, तो क्या होंगे, स्टेप होंगे, लेकिन यहाँ पर फिंगर टैप करके यदि पूछते हैं तो क्या होगा, परकसन। नेक्स्ट वन इज हाइपोप्रोटीनीमिया इज लो लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। तो प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम होना, हाइपोप्रोटीनीमिया क्या है, कंडीशन जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम होगा, तो क्या साइन आपकी बॉडी में दिखाएगा? एक्सेसिव वेट लॉस, नर्व डैमेज, एक्सट्रीम वेट गेन या फिर टिश्यू एडिमा। तो क्या सिचुएशन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यदि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल आपके ब्लड में कम होगा? तो जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो होगी टिश्यू एडिमा। क्या होगी? टिश्यू एडिमा। क्या होंगे? ऑन्कोटिक प्रेशर के कारण। यदि यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी कौन से साइन दिखाएगी? टिश्यू एडिमा के। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ ट्रायज सिस्टम इन इमरजेंसी इज टू। तो इमरजेंसी में ट्रायज सिस्टम का क्या पर्पस होगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा? ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइड द इमरजेंसी सर्विसेज विथ इंफॉर्मेशन, असिस ऑल पेशेंट इमीडिएट नीड्स, रीअश्योर द कॉन्सियस पेशेंट, प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर अनकॉन्सियस पेशेंट। तो यहाँ पर ट्रियाज है जो यूज़ किया जाता है वर्ड कब, जब तुरंत इमीडिएट इमरजेंसी में ज़रूरत हो इसकी केयर की, तो ट्रियाज है, ट्रियाज सिस्टम इमरजेंसी इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर ट्रियाज सिस्टम में क्या पर्पस होगा कि जितने भी पेशेंट हैं जिनको तुरंत ज़रूरत है वो केयर प्रोवाइड करवाना, असेस ऑल पेशेंट इमीडिएट नीड्स, देन आफ्टर हम ट्रियाज का जो कलर कोडिंग सिस्टम है वो अपना के है जो किसको तुरंत केयर की ज़रूरत है,
इसको केयर थोड़ा डिले हो सकती है, कौन है जो डेड है, तो इस तरीके से पूरा फिर पूरा ट्रियाज है जो हम जो पूरा अकॉर्डिंग टू कलर कोड पढ़ा है हमने वो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि ओनली पर्पस पूछते हैं सभी पेशेंट को हम इमीडिएट नीड के लिए चेक करना है। नेक्स्ट वन इज द एलिवेटेड लेवल ऑफ कैंसर एंटीजन CA15-3 इज फाउंड इन। तो यदि कैंसर एंटीजन 15-3 बढ़ा हुआ मिलता है तो ये कौन सा कैंसर होगा, पेनाइल, वेजाइनल, ओवेरियन या फिर ब्रेस्ट कैंसर। यदि कैंसर एंटीजन 15-3 है जो यहाँ पर एलिवेट है, बढ़ा हुआ है लेवल, तो ये कौन सा कैंसर है, तो ये यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर। ओवेरियन कैंसर में कौन सा एंटीजन होगा, कैंसर एंटीजन 125। लेकिन यदि आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर एंटीजन 15-3 है जो बढ़ा हुआ होगा, लेकिन ओवेरियन कैंसर का एंटीजन क्या है, कैंसर 125। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आते हैं इसलिए यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट वन इज इन द हॉस्पिटल CSSD रिफर्स टू। तो हॉस्पिटल में CSSD का मतलब क्या है, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, सेंट्रल सर्विस सप्लाई डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल सब्सिडी सप्लाई डिपार्टमेंट। तो जो सेंट्रल CSSD है इसका फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल में पूछा है, अलग अलग जगह अलग हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी की यदि बात करें तो CSSD का मतलब क्या है, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। क्या है, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ टीचिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेशन थेरेपी। तो कौन सी सही टीचिंग नहीं होगा जो पेशेंट एंटीकोगुलेशन थेरेपी या फिर एंटीकोगुलेशन मेडिसिन ले रहा है, तो नॉट कहा है यहाँ पर, ना कि कर रहा है, तो यहाँ पर ले रहा है तो हम उसको कौन सा हेल्थ टीचिंग नहीं बताएंगे। ऑप्शन में है एस्प्रिन इज अवॉइडेड ड्यूरिंग एंटीकोगुलेशन थेरेपी एज इट कैन कॉज द हेमरेज। तो बिल्कुल सही है, जो पेशेंट एंटीकोगुलेशन थेरेपी ले रहे हैं उनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है एंटीकोगुलेशन थेरेपी के टाइम पर, क्योंकि हेमरेज का कारण बन सकता है। दूसरा अवॉइड इनटेक ऑफ कैवेज, गोभी खाने से मना करना है यहाँ पर कहा है। अवॉइड टेकिंग द एस्प्रिन, यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश। तो यहाँ पर आपको कौन सा मेथड है जो नहीं बताना, हेल्थ टीचिंग के लिए सही पॉइंट नहीं है, तो वो होगा यहाँ पर अवॉइड टेकिंग द एस्प्रिन, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है कि पेशेंट एंटीकोगुलेशन थेरेपी ले रहा है, हमें क्या नहीं कहना है उसको कि आप एस्प्रिन को अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज द एब्रीविएशन NPO मींस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, NPO का मतलब होगा ना मुंह से कुछ खाना ना पीना, निल पर ओरल। तो यहाँ पर ऑप्शन में पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक वाटर, नीड टू इनकरेज इनटेक ऑफ वाटर बट नॉट फूड, नीड टू लिमिट द फूड इनटेक इन द पेशेंट या फिर पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक। तो NPO का मतलब होगा ना आपको खाना खाना है ना पानी पीना है, और जनरली ये चीज़ कब अपनाई जाती है, सर्जरी होने के एटलीस्ट 12 आवर पहले तक इसको अपनाया जाता है। तो यहाँ पर NPO का मतलब क्या है, पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जब पानी बॉयल होता है तो हीट ट्रांसफर का कौन सा एग्जाम्पल है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन या रेडिएशन। बॉइलिंग वाटर किसका हीट ट्रांसफर का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ये कन्वेक्शन मेथड का। नेक्स्ट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेशनल फॉर कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इन पेशेंट विथ कैंसर। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सा रेशनल नहीं है जो पेशेंट कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी मेडिसिन ले रहा हो। ऑप्शन में है टू इंटरप्ट द सेल साइकिल एट वेरियस स्टेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी में सेल की जो अलग अलग साइकिल होंगी कैंसर सेल्स की, उन पर अलग अलग तरीके से इंटरप्ट करेगा। नेक्स्ट टू प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंस, ये भी सही है। टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली, टू मिनिमाइज द टॉक्सिटी ऑफ हाई डोज सिंगल ड्रग। तो यहाँ पर जो नहीं है, सही रेशनल नहीं है वो बताना है आपको, तो वो है टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली, कैंसर मेडिसिन तुरंत एक ही डोज में आपको असर नहीं करने लगेंगी। तो यहाँ पर आप इसको मार्क करेंगे टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली,
जब इनका पूरा कंटिन्यू डोज है जो पूरा लिया जाएगा, कीमोथेरेपी की जाएंगी तब जाके पूरा असर करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है आपसे नॉट द प्रॉपर रेशनल, सही रेशनल नहीं है कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी का, तो वो कौन सा है, वो टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली। नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट्स इन। तो इन केस यदि पानी में, पीने के पानी में जो फ्लोरीन का अमाउंट है ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाएगा, तब क्या है जो कंडीशन क्रिएट होगी, फ्लोरिडेशन, डेंटल कैरीज, प्लक फॉर्मेशन या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। तो यदि पानी में फ्लोरीन रहना चाहिए लेकिन यदि एक्सेस हो जाए, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर वही है कि यदि पीने के पानी में फ्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब हम क्या कहेंगे इसके लिए, डेंटल फ्लोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जो दांत येलो येलो टाइप के आपको दिखेंगे, फ्लोरीन आपके दांतों में भी क्या होने लगेगा, एक तरीके से जमा होने लगेगा। तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है, डेंटल फ्लोरोसिस। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी, प्रिमॉर्डियल, प्राइमरी या फिर टर्सरी। तो हेल्थ एजुकेशन एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन का। हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब किसके हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हो तब आपको कौन से एलिमेंट्स हैं जो चेक करना है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्किल ऑफ द एग्जामिनर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो यदि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होंगे जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम कर रहे हो, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्किल ऑफ द एग्जामिनर या फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट और थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो पॉइंट्स तो यहाँ पर सभी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा कि स्टूडेंट को आप ये चीज़ क्यों सिखा रहे हैं, क्या एम है इस चीज़ का, तो वो आपका मेन पॉइंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है। ऑप्शन में सीजनल एलर्जी, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, इंजेक्शन ऑफ ड्रग या फिर सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पर COPD का जो मेन कॉज पूछा है, प्राइमरी रीजन है, वो क्या होगा, वो होगा सिगरेट स्मोकिंग। क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग। यदि COPD का एक क्लासिकल साइन पूछा जाता है तो क्या होता है, बैरल चेस्ट। याद रखना है आपको, बैरल चेस्ट एग्जाम में आता है, ये COPD के पेशेंट में ही देखने को मिलेगा। प्राइमरी कॉज यहाँ पर क्या हो गया, सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेस्ट कैंसर यदि डायग्नोस किया जा रहा है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा माना जाएगा, दैट मीन्स श्योर है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। ऑप्शन में मेमोग्राफी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे या फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यदि ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर अदर कैंसर हो, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन या फिर फाइन नीडल साइटोलॉजी। तो यहाँ पर टिश्यूज़ का है जो एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो यहाँ पर भी ब्रेस्ट कैंसर कन्फर्मेटरी किससे माना जाएगा, फाइन नीडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। तो इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, मैन मेड हो जाएगा। ऑप्शन में अर्थक्विक, सुनामी, न्यूक्लियर वॉरफेयर या फिर ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होगा यहाँ पर अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। अर्थक्विक का मतलब भूकंप, सुनामी है जो समुद्र में आती है वही है। तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है, तो क्या है, न्यूक्लियर वॉरफेयर। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, हकलाने का यहाँ पर कौन सा कॉज नहीं है। ऑप्शन में स्ट्रेस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्रेन इंजरी या फिर टंग टाई। तो यहाँ पर स्ट्रेस से भी बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, स्ट्रेस के कारण भी स्टैमरिंग होने लगता है, ब्रेन इंजरी के कारण भी होगा और टंग टाई के कारण भी होगा। लेकिन एनोरेक्सिया है क्या, ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें स्टैमरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज। तो जो गाइडेंस और काउंसलिंग है किस टाइप की प्रोसेस है, एपिसोडिक, कंटिन्यूस, कंक्रेंट या फिर टर्मिनल।
तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है जो जनरली जब स्टार्ट किया जाता है तो काउंसलिंग गाइडेंस जनरली 6 6 मंथ तक चलते हैं और एक ऐसी प्रोसेस हो जाएगी, कंटिन्यूस प्रोसेस में आएगी ये। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम फोकस ऑन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस एंड प्रोविजन ऑफ फॉलिक एसिड, कौन से प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस और फॉलिक एसिड। तो ऑप्शन है ICDS मिड डे मील प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम या फिर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस और प्रोविजनल फॉलिक एसिड सब किस में दिए जाएंगे, ICDS में। फिर इसमें आएंगे 6 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर। नेक्स्ट वन इज पास्टराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड अप्लाइड टू डेयरी प्रोडक्ट्स विच इज हीटेड एड अबाउट। तो पास्टराइजेशन की प्रोसेस में क्या किया जाता है, जनरली जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए की जाती है। तो इसमें हीट है जो कितना यूज़ किया जाता है, जिसमें गर्म करके ठंडा करने की मेथड जिसको हम कहें, कितने हीट पर है जो पास्टराइजेशन की प्रोसेस की जाएगी, 17 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री सेल्सियस। तो जो पास्टराइजेशन की प्रोसेस होगी इसमें प्रिजर्व किए जाएंगे जो भी मटेरियल स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट के लिए की जाती है, लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की थी। जो हीट होती है कितनी दी जाती है, 70 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट वन इज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 1000 टाइम तक पढ़ा दिया गया होगा, आपको याद भी होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ट बाय, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने परसेंट सही हुई है, दैट मीन्स फेल नहीं हुई है, उसको हम चेक करने के लिए कौन सा मेथड है जो अपनाएंगे, सोशल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। कल आप लोग याद रखिए 11 बजे जिनका भी SGPGI के लिए और इसी मंथ में जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए 300-400 MCQ की एक ही क्लास होगी, जो कि एटलीस्ट 2 आवर तक चलेगी और आपका पूरा है जो SGPGI का सिलेबस उसमें आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।